वर्ड जो हम एनिमल कॉन्शियस जो यूज कर रहे हैं यहाँ, उससे थोड़ा मुझे लगा कि एनिमल वर्ल्ड में तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, फिर क्यों हम वो एक नीचा दिखा रहे हैं एनिमल कॉन्शियस बोलने का। ये थोड़ा मुझे कैन वी गो फॉर अदर अल्टरनेट वर्ड लाइक इन ह्यूमन, वो बेहतर रहेगा। मेरा ये सेल्फ एक सोच है भैया। जी, उसको कह सकते हैं एनिमल कॉन्शसनेस इसलिए कहा क्योंकि अगर हम एनिमल्स में भी देखें तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी दिखाई देती हैं जो हमको एज ए ह्यूमन बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट एनिमल ऑर्डर को सस्टेन करने के लिए ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रुएल्टी, तो एनिमल्स में कुछ एनिमल्स ऐसे दिखाई देंगे जो क्रुएल्टी से ही अपने शरीर का पोषण करते हैं, परंतु तो उनकी क्रुएल्टी लिमिटेड है क्योंकि इमेजिनेशन लिमिटेड है, तो इससे एनिमल ऑर्डर भी सस्टेन करता है ना, और बाकी ऑर्डर्स भी सस्टेन करते हैं। परंतु ह्यूमन ऑर्डर में क्रुएल्टी एक्सेप्टेबल नहीं है नेचुरली, बट हम कई बार एज ए ह्यूमन बीइंग भी क्रुएल्टी में जाते हैं और उसके साथ हम बिहेवियर करते हैं, वर्क करते हैं, जो हमको अपने आप में भी नेचुरल एक्सेप्टेबल नहीं होता और सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो हेल्पफुल नहीं है, इसलिए उसको एनिमल कॉन्शसनेस का। तो एनिमल ऑर्डर में क्रुएल्टी एंड नॉन क्रुएल्टी दो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे दो प्रकार से, कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्रुएल, कुछ एनिमल्स होते हैं जो नॉन क्रुएल। और वहाँ पे अगर देखें तो ऑर्डर के हार्मनी को बनाए रखने में वो सहायक ही होता है। अगर नॉन क्रुएल एनिमल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भी नेचर में डिसहार्मनी हो जाएगी, क्रुएल एनिमल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भी नेचर में डिसहार्मनी हो जाएगी, इसलिए वो उस ऑर्डर को बनाए रखने में, उसको सस्टेन करने में सहायक होता है। परंतु ह्यूमन ऑर्डर के लिए इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अंदर जो नेचुरल एक्सेप्टेबल फीलिंग्स हैं हम उनके साथ ही सुखी हो पाते हैं। एनिमल्स में देखें तो सिर्फ विल टू लिव है, सिर्फ जीने की आशा है, हम सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो एनिमल्स के स्वभाव से अलग है। तो इसलिए उसको एनिमल कॉन्शसनेस कहा कि एनिमल्स में तो चीजें दिखाई देती हैं परंतु वो उस ऑर्डर के हार्मनी को बनाए रखने में सहायक है, हमारे में जब भी दिखाई देती हैं तो इस ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर के हार्मनी में सहायक नहीं है बल्कि प्रॉब्लमेटिक है। तो ये कंट्रास्ट है, बट होता यह है कि ह्यूमन बीइंग अगर एनिमल्स की तरह ही जीता रहे, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए कई बार जो कहते हैं ना कि एनिमल्स लिविंग विद एनिमल कॉन्शसनेस इज फाइन, ह्यूमंस लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शसनेस इज अगेन फाइन, बट ह्यूमंस लिविंग विद एनिमल कॉन्शसनेस दिस इज नॉट फाइन। या दैट्स दैट्स राइट भैया, इट्स वेरी राइट, वेरी ट्रू। जी।